नमस्कार प्रणाम, अभी हम आ चुके हैं वही सौत कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। यहाँ पे महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, जहाँ पे प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज आए हुए हैं। इन्हीं ग्राम के सरकारी आवास में रुके हैं महाराज जी। चलिए पहले चल के महाराज जी से मुलाकात करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद जग का पूरा आनंद लिया जाएगा। तो हम आ चुके हैं यही पंचायत भवन, एक सरकारी स्थल है, यहीं पे रुके हैं महाराज जी। और काफ़ी लोग आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आ चुके हैं महाराज जी सभी दर्शकों से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात कर रहे हैं सभी लोग, काफ़ी भावुक हैं महाराज जी से दर्शन के लिए। महाराज जी से मिल के आ चुके हैं, अब फिर से यज्ञ के अंदर जाते हैं, यज्ञ के अंदर घूमते हैं, देखते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 7:30 बजा है, तो उतना ज़्यादा भीड़ तो होगा नहीं, उतना ज़्यादा दुकान भी नहीं खुला है अभी तो, तब पर भी देखते हैं क्या सब है। जग मजा आवे छे पूरा पूरा। हां टीका चले आ नहीं कदी टीका चले आ पे चले आ रही है तब टीका कन्ने टीका रे चल और झुला वाला टीका। हां झुला वाला टीका चले है। है अरे आरो पूरा मन लागे छे पूरा चल। तो हमें कुछ बच्चे मिल गए थे जो आपस में शरारत कर रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं शरारत करते हुए। तो यानी कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए चारों ओर चलिए लोग भी जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। ज़्यादा स्थापित है, और कितना कलश है ये तो कन्फर्म बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कलश है। चलिए परिक्रमा करते हैं, हम भी 5 बार परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद पंडाल की ओर जाया जाएगा। वहाँ पे श्री रुद्राचार्य जी अभी आ रहे हैं पंडाल के अंदर, तो चलना है थोड़ा जल्दी में। से 20 सेकेंड में पूरे मूर्तियों का दर्शन करा रहे हैं, तो लगातार देखिए मूर्ति जितना भी यज्ञ में मूर्ति है सारे मूर्ति का दर्शन कीजिए, उसके बाद चलते हैं पंडाल की ओर।
कुछ ही पलों में महाराज जी आने वाले हैं। भक्त पूरा, काफ़ी भक्त जमा हुए हैं, पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ है। कुछ ही पलों में महाराज जी आने वाले हैं। तो अभी अभी पहुंच चुके हैं महाराज जी, आ चुके हैं। आपके प्रेम ने खरीद लिया भगवान को। चुपचाप रहो, शांति से सबसे मिलना जुलना होगा। चलो हम मंत्र लेंगे। जो लोग मंत्र लेने वाले भैया खड़े हो जाओ। तो अब हम आ चुके हैं पंडाल के बाहर। ये पूरा पंडाल हो गया, ये पूरा पंडाल भक्तों श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ है, पूरा एक फुल हाउस है पंडाल। तो सुबह में तो इतना भीड़ तो नहीं था, लेकिन अभी भीड़ काफ़ी बढ़ ही रहा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, दूसरे जगह से। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं वो अपने घर की ओर। धन्यवाद।